तो अपने एपीआई की इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को हम अपना कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि क्या हम गेट रिक्वेस्ट से कोई नया डाटा क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं या नहीं, तो उसका आंसर नो था। और अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम पुट रिक्वेस्ट से, जो कि पोस्ट डाटा क्रिएट करते हैं, क्या हम पुट रिक्वेस्ट से नया डाटा क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका आंसर है यस, ये डिपेंड करता है डेवलपर पे। डेवलपर के क्या मतलब है यहाँ पे कि डेवलपर की चॉइस होती है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर नया डाटा सिर्फ पोस्ट से बनेगा तो वो पोस्ट के अकॉर्डिंगली कोडिंग करेगा, पुट से फिर वो नया डाटा नहीं बनाने देगा। लेकिन अगर मान लो आपको अलाउ कर रहा है तो पुट मेथड से आप क्रिएट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो ये इसका आंसर है, हम कर सकते हैं, डिपेंड डेवलपर पे करता है। डेवलपर डिसाइड करता है रिक्वायरमेंट को देख के कि अगर पुट का रिक्वेस्ट क्रिएट या अपडेट करने पे भी हो रहा है तो उसको अलाउ कर देता है, नहीं तो फिर सिर्फ क्रिएट पोस्ट के लिए ही यूज किया जाता है। जनरली एक जेनेरिक सेंस में पोस्ट का यूज सिर्फ नया क्रिएट के लिए, पुट और पैच का अपडेट करने के लिए। ऐसे ही टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल बटन पर क्लिक करने के बाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।